बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोडी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। दरअसल आपको बता दें कि 13 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने, उत्तर प्रदेश की जो जिन सीटों के ऊपर से 11 सांसद चुन के चले गए हैं, इसके अलावा एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं, और एक पार्टी की सीट ऐसे खाली होने की वजह से कुल 13 सीटों के ऊपर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने। इनको लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, लगातार अपनी पार्टी की है वो तैयारियां कर रही है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती 23 मई को लोकसभा परिणामों के बाद लगातार पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने पहले दिल्ली के अंदर बैठक आयोजित की, उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर की, और फिर यूपी में आकर उन्होंने पार्टी के फोरम के लिए फिर लगातार 2 दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की 2-3 तारीख को ही बैठक की थी, और उसके बाद 6 तारीख को की थी, और आज उन्होंने फिर अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो उम्मीदवार है जिनके डाटा आए हैं, जिनके आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी के जो अपना कार्यालय है बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ में, वहां पर उन तमाम लोगों को बुलाया। आपको बता दें कि बुलाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन तमाम लोगों से राय सलाह मशवरा मांगी कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, या जो भी प्रोसेस जो होती है उसी के हिसाब से उनसे बायोडाटा लिया। जिन लोगों ने आवेदन किया है उन तमाम लोगों का इंटरव्यू हुआ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सामने, और अब अंतिम जो मोहर लगनी है कि किन किन लोगों को है वो चुनाव लड़वाया जाना है, इसको लेकर है वो फाइनल लिस्ट कभी भी आ सकती है। हालांकि अभी बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी हालत में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करेगी, लेकिन प्रभारी वो नियुक्त कर देगी, और जिन सीटों पर प्रभारी बना दिए जाते हैं वही आगे चलकर बसपा के अंदर प्रत्याशी होते हैं। ये परिपाटी है और यही उनका प्रत्याशी चयन करने का एक तरीका है जो कि बहुत दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से ही चला आ रहा है। अब आपको बता दें कि 2-3 सीटों के ऊपर प्रत्याशी है वो घोषित, यानी प्रभारी है वो घोषित कई किए जा चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं।